जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे पैसा बचत करने की सरल तरीके। 10 तरीके लाई हूँ जो कि बेहद सरल और व्यावहारिक जीवन में काम आ जाए इस तरह के हैं। प्रत्येक महिला के ऊपर सामाजिक, धार्मिक और जो है आर्थिक जिम्मेदारी होती है। महिला चाहे तो घर को बहुत सुदृढ़ बना सकती है आर्थिक रूप से। कम बचत, कब आपने देखा होगा, कम पैसे जिसके घर में आमदनी होती है वह भी बहुत सुख शांति से जीवन का निर्वाह कर लेता है, राजी खुशी। परंतु कई लोगों को देखा होगा, बहुत सारी आमदनी के साधन होने के बाद भी हमेशा कहते रहते हैं पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं बचता। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इन आदतों को सुधारना है, पैसा जरूर बचेगा। सबसे पहले याद रखिए, आप जब कोई खरीदारी कर रहे हैं तो किसी भी वस्तु को जोश जोश में ना खरीद ले। अरे मुझे तो ये मतलब एकदम से गया दुकान में और जोश में ये खरीद लाया। बस जब जब जोश ठंडा होता है, कहने का अर्थ है जब हम तसल्ली से बैठते हैं तो मन ही मन सोचने लग जाते हैं इसकी जरूरत तो हमें थी नहीं, हम क्यों खरीद लाए इसे। सबसे पहले किसी भी चीज के लिए जोश जोश में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से धैर्य पूर्वक सोचिए, समझिए, उसके बाद उस चीज को खरीदिए। दूसरे नंबर पर आता है इच्छा और जरूरत। इच्छाएं जो है अनंत है, कहने का अर्थ है आज इच्छा कर रही है इस तरह के कपड़े पहनूं, आज इच्छा कर रही है चलो वहां घूम के आते हैं, इच्छा कर रही है चलो ये खाना खा के आता है। परंतु जरूरत क्या है उसी के अनुसार अपन को काम करना है, तो ऑफकोर्स बचत होती चली जाएगी, ना कि इच्छा के अनुसार ये कर लें वो कर लें। इच्छाएं तो अनंत है, आज ये इस चीज की कम हो रही है कल उसकी ज्यादा हो जाएगी। इच्छाओं पर अपन को खरीदारी नहीं करनी है, ना ही अपने पैसों का जो है खर्च करना है। अपनी जरूरत के अनुसार पैसों को जिस दिन खर्च करने लगेंगे उस दिन स्वतः ही बचत होनी शुरू हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद नंबर आता है सोच समझ कर कभी भी किसी चीज का उधार ले, क्रेडिट कार्ड से हो, किसी अन्य चीज से हो, या किसी से आपको जरूरत पड़ गई है पैसे मांगना, बहुत सोच समझ के जो है उधार लें। पर उधार लेना बहुत सरल है परंतु इसको चुकता करना बहुत आफत का काम हो जाता है, तो यह भी आपको अपने पैसों की बचत करने में ध्यान रखना है। इसके बाद आता है महिलाओं के लिए विशेष रूप से, क्योंकि वही मुझे लगता है कि खर्चों को अधिक बढ़ावा देती हैं या घर के बच्चों को। आप उनको जितना संभव हो बिजी रखिए किसी चीज में। आप खुद भी कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को भी करवा सकती है। बच्चे अगर बिजी रहते हैं, खुद हम बिजी रहते हैं, तो फालतू चीजों में जो है हमारा दिमाग जाता ही नहीं है कि आज ये खरीदना है, आज ये इस चीज का फैशन है, उस चीज का फैशन है। नहीं, खुद को बिजी रखिए, मन पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा स्वतः ही बचत हो जाएगी। इससे दो फायदे होते हैं, फालतू के विचार मन में नहीं आते, नेगेटिव थॉट मन में नहीं आते, फालतू की जो चीजें हैं हमें घूमने फिरने की इच्छाएं कम होती हैं, खुद मन बिजी रहता है, तो बेझिझक जो है पैसों की बचत होना स्वाभाविक है। यह नहीं है कि खुद को पूरा बांध के रख दीजिए, जिस तरह से कहा जाता है मुट्ठी को बंद करो खोलो, उसी तरह से वीकेंड में आप जा सकते हैं। ये नहीं कि आलतू फालतू के खर्चे करने हैं, थोड़ी सी देर घूमने करने का कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं कि रोज रोज ही तुम्हारा इस तरह से चल रहा है। इससे जो है महीने के लास्ट में देखते हैं आप तो बहुत सारा धन जो है व्यय हो जाता है। इसके बाद जो है खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे इस महीने के आखिरी में यह सामग्री अपने घर पर जुटानी है। हो सकता है वह कोई गोल्ड की ज्वेलरी हो, आपके बच्चे के लिए साइकिल है, 2 महीने बाद आप देखेंगे, 3 महीने के बाद आपके घर की जो बचत का हिस्सा होगा उसमें से आप एक जो है ये एक छोटा सा हिस्सा अलग से रखना शुरू कर देंगे तो बचत कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे साल भर के अंदर इतने पैसे जुटाने हैं और मुझे यह चीज लानी है, मुझे अपने सोने के झुमके बनवाने हैं। धीरे धीरे जो है लक्ष्य खुद ही निर्धारित हो जाता है। इसके बाद सवाल आता है मन में बजट, हालांकि यह सबसे पहले होना चाहिए। आपको सबसे पहले बजट बनाना है, घर का किराया हो या खुद का मकान हो या किसी भी तरह से आप कुछ भी कर रहे हैं, सब्जी का खर्चा हो, इससे जो है आपको फालतू का जो आप घर से खर्च होता है वह खुद ही पता चल जाएगा, आधी तो समस्या यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बजट बनाना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद जो है खुद जो है छोटी छोटी चीजें स्वयं कर लेना, जैसे पार्लर का काम खुद से कर सकते हैं, छोटे मोटे काम। कई महिलाएं होती हैं छोटे छोटे काम के लिए पार्लर चली जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी से सीख कर हम हमेशा इस चीज के लिए पैसे बचा सकते हैं। सिलाई छोटी छोटी स्वयं कीजिए, इससे आप बिजी भी रहेंगे और पैसे भी बचत होंगे, दो दो यह काम होते हैं। तीसरा जो है किसी हरी बीमारी इत्यादि के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, आपके परिवार के एक सदस्यों को एडमिट होना पड़े, तो इसके लिए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा बहुत आवश्यक है। इसको जो है थोड़ा सा पैसे इकट्ठा होने के बाद आप आवश्यक रूप से अपने परिवार के सदस्यों के लिए लेंगे। अब आता है बेमौसम जो है आप खरीदारी करें, जैसे
उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी, अभी सर्दी का मौसम है, अभी आप स्वेटर लेने जाएंगे बहुत महंगी मिलेंगी, परंतु सर्दी जाते जाते जब दुकानदार अपना स्टॉक खाली करते करते आप एक अच्छी समझदार खरीदार की तरह जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज ले लिया, वह अगले टाइम काम आएगा। अपने लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने बच्चों के लिए जो है अगले साल के लिए आप मौसम जाते जाते जो है शॉपिंग कर सकते हैं। इससे जो है बहुत पैसे की बचत होती है। स्वेटर इत्यादि हो गए, कुछ और हो गए, जो ऐसी वस्तुएं जिनका फैशन नहीं जाता, और बहुत समझदारी के साथ उन्हें जो है थोड़ा सा लंबा लेकर या इस तरह से लेकर अगले साल के लिए स्टोर करके रख लीजिए। यहाँ पर भी बहुत अच्छी पैसों की बचत होती है। इसके बाद जो है जैसे अभी अनाज हो रहे हैं, चावल गेहूं इत्यादि, उनको जो है स्टोर करके रख लीजिए पूरे साल भर के लिए। पुराने समय से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं, उस समय वह सस्ती मिलती है, परंतु वह सीजन चले जाने के बाद वह महंगी मिलती जाती हैं। इस बात को मसाले इत्यादि भी घर पर इस तरह से आप पीस कर रख सकते हैं। इसके बाद आप छोटी छोटी जैसे गुल्लक में कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किसी से कुछ भी सामग्री आ रही है तुरंत उसे खर्चा कर दिया, यह नहीं, छोटे छोटे पैसे इकट्ठा कर दीजिए। छोटे छोटे पैसे ही जो है बड़ा रूप लेते हैं। इसके बाद आप जो बची हुई रकम होगी उसे घर पर, महिलाओं की आदत होती है घर पर रखती है, यह सही नहीं है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। उसको जाकर आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखना है, इससे जो है ब्याज आता है, ब्याज से आप अपने लिए कुछ सामग्री ले सकते हैं, अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद कोई छोटी सी बर्थडे पार्टी हो रही है, कुछ काम हो रहा है बाहर जो है, उसे मनाने की बजाय घर पर ही अपने तरीके से मनाने की कोशिश कीजिए। उस पर जो है खाना आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे संभव हो तो। इसमें भी बहुत अच्छा पैसों का बचत होता है। घर से ही कोई काम शुरू कर सकते हैं, अपने हुनर को बढ़ाने की कोशिश जहाँ तक हो प्रत्येक महिला को करनी चाहिए। इसके बाद लाइट इत्यादि को बेफालतू जलाकर छोड़ देना, वॉशिंग मशीन इत्यादि बेफालतू जहाँ तक संभव हो खुद से ही अपने हाथ से काम हो पाए, जैसे कि लाइट इत्यादि के लिए सूरज की रोशनी बेहतर है, हो सके तो उसका खूब यूज़ कीजिए। छोटी छोटी दूरी जो है, जैसे कि सब्जी लेने जाना है या अन्य चीज़ें लेने जाना है, आपके पास समय है या आप इस चीज़ के लिए काबिल है, तो पैदल ही जाइए। इससे दो फायदे होंगे, वजन नहीं बढ़ेगा और आप स्वास्थ्य के रूप से बहुत स्वस्थ रहेंगे, और कुछ पेट्रोल और डीजल की भी बचत हो जाएगी। आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु ये छोटी छोटी ही चीज़ें ही आगे चलकर बड़ा रूप लेती हैं। इस तरह से कुछ जो है बचत के छोटे छोटे से टिप्स थे जो आप सबके साथ मैंने शेयर किए। आप सबके पास भी कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे काम आएंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो राधे राधे, जय माता दी लिखना ना भूले, हर हर महादेव।